होशियारपुर पंजाब से नागेंद्र प्रसाद जी हैं, वर्ण ब्राह्मण हैं, इन्होंने जो है एक प्रश्न किया है सार्वजनिक, कह रहे हैं कि क्या शरीर पर गुदना गुदवाना चाहिए, अर्थात कोई चिन्ह इत्यादि बनवाना दोषकर है? यदि दोष है तो इस पर प्रकाश डालें, कृपया बतलाएं। आजकल लोग प्रायः लोग कुछ न कुछ बनवा ले रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, शर्मा जी का प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है। मुख्य रूप से शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं है कि शरीर पर कोई न कोई चिन्ह लगवाए, तप्त मुद्रा धारण करे, जला करके कुछ लगाए, या कोई गुदवाए। ये जो मशीन जो गोदती है, कुछ न कुछ चित्र अंकित करती है, तो उस समय भी बड़ी पीड़ा होती है, और वो गर्म करके ही कुछ स्याही को त्वचा के अंतर्गत डाल देती है, तो ये भी निषिद्ध है। शास्त्र जिसका विधान नहीं करते हैं तो वो करना तो अशास्त्रीय ही है, और अशास्त्रीय है मतलब अधार्मिक है। पृथ्वी चंद्रोदय ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा निर्णय सिंधुकार कहते हैं, देखिए कि यस्तु संतप्त संखादि लिंगांकित तनुर्नरः स सर्वयातना भोगी चांडालो जन्म कोटिषु। जो मनुष्य तप्त शंख चक्र आदि भी बनवा लेता है तो वह मनुष्य सर्वयातना भोगी, समस्त प्रकार की यातनाओं को भोगने वाला होता है, और चांडालो जन्म कोटिषु, करोड़ों जन्म तक वो चांडाल बनता है। द्विजम तु तप्त शंखादि लिंगांकित तनुर नरः संभाष्य रौरवम याति यावत दिन्द्राश चतुर्दश बृहन्नारदीय। बृहन्नारदीय पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति तप्त मुद्रांकित व्यक्ति से, जिसने तप्त मुद्राएं अपने शरीर में बनवा रखी हैं, गोदना गुदवा रखे हैं, उससे बात करना भी पातक जनित है। संभाष्य रौरवम याति यावत दिन्द्राश चतुर्दश, जब तक एक मन्वंतर तक एक इंद्र रहते हैं तो ऐसे 14 मन्वंतर निकल जाए, यानी एक ब्रह्मा जी के पूरे दिन तक, और वो व्यक्ति रौरवम नरकम याति, रौरव नाम के नरक में जाता है। तो मुख्य रूप से द्विजम यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ये तप्त मुद्रा आदि धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे बतलाया गया है कि ये जो है तप्त मुद्रा आदि एक जाति वाले धारण कर सकते हैं, द्विजातियों को धारण नहीं करना चाहिए। निर्णय सिंधु का निर्णय देते हुए कहते हैं कि शंख चक्राद्यंकनम च गीत नृत्यादिकम तथा एक जाते रयम धर्मो न जातु स्याद् द्विजन्मनः। द्विजन्माओं के यानी द्विजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, और उसमें भी खास रूप से ब्राह्मणों को बताया गया है कि सर्व वेदमयो विप्रह तथा सर्व देवमयो विप्रह। सर्व देवमयो राजा, राजा सर्व देवमय होता है, यानी क्षत्रिय में समस्त, क्षत्रिय शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है, ब्राह्मण के शरीर में प्रत्येक रोम रोम में गऊ की तरह देवताओं का और ब्राह्मणों का वास होता है, और वहाँ अशास्त्रीय कृत्य करके शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध आप किसी अंग को जला रहे हैं, तपा रहे हैं, या कुछ अंकित कर रहे हैं, तो उस शरीर का जो, उस जगह का, स्थान का जो देवता है वो क्रुद्ध होकर के शापित करता है। कह रहे हैं शंख चक्राद्यंकनम च गीत नृत्यादिकम तथा, शंख चक्रादि गर्म करके लगवाना और नृत्य गीत आदि गाना, जीविका के लिए गाना, गीत गाना, नृत्य करना, है ना, संगीत करना, ये सब एक जाते अयम धर्म, अयम एक जाते धर्म, ये सब यह है जो है एक जाति यानी शूद्र आदि का, चतुर्थाश्रमियों का ये धर्म है।
न जात स्यात् द्विजन्मनः, द्विजन्माओं का ये धर्म नहीं है। तो मुख्य बात यही है, किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तप्त मुद्रा धारण अथवा ये गुदना गुदबाना आदि तपाना जलाना नहीं करना चाहिए। अपने आप कोई जल जाता है या कोई व्यक्ति जो है शास्त्र में जहाँ लिखा हुआ है वो कार्य करते हैं तो वो ठीक है। हर हर महादेव।